टेक ऑफ। अगर इस मूवी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा मास्टरपीस। ऐसी मूवीज इंडिया में बनती है, ये सच्ची बहुत गर्व की बात है। ये मूवी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि सेकंड बाय सेकंड आप इस मूवी में इतने डीपली इन्वेस्ट होते जाते हो। इस मूवी का कोई भी एस्पेक्ट ले लो, डायरेक्शन ले लो, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, कैमरा एंगल, लाइटिंग ले लो, स्क्रीन प्ले ले लो, डायलॉग्स ले लो, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज लगती है। Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. Channel पे नए हो तो subscribe करना मत भूलना और bell icon भी दबा दो ताकि आपको notifications आते रहे। Take off के director हैं महेश नारायण और इस movie में उनका hard work, dedication, passion जो उन्होंने दिल लगा के movie देखी है ना, वो पल पल आपको screen पे दिखता रहेगा। पल पल आपको realize होगा कि इस movie के पीछे कितना प्यार और कितना पैशन लगा होगा। मूवी इतनी रियलिस्टिक है और इमोशंस को एकदम सीने से लगा के चलती रहती है। इस मूवी में ना छोटे छोटे ऐसे कुछ मोमेंट्स डाले गए हैं जो एकदम दिल तक पहुंचते हैं और दिल खुश हो जाता है और आंखें लिटरली नम हो जाती है। टेक ऑफ देखना ना ट्रू सेंस में एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। एक अच्छी मूवी देखने के बाद फेस पे जो स्माइल और सैटिस्फैक्शन होता है, एग्जैक्टली वो सैटिस्फैक्शन और स्माइल लेकिन दुगना आपको टेक ऑफ देखने के बाद महसूस हो। तो कहानी है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। एक नर्स है समीरा और बहुत सारे बाकी नर्सेस इराक जाती है टू यू नो अर्न मोर मनी बिकॉज उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है इंडिया में, और वहाँ जाके कैसे वो लोग फंस जाते हैं और कैसे फिर उनका रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू मिशन, वो सब ये मूवी में दिखाया है। फर्स्ट पार्ट मूवी में बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। एंड सेकेंड पार्ट डेडिकेटेड है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एंड ये पूरी मूवी एज अ होल एक ब्यूटिफुल मूवी बन जाती है। इस मूवी में ना आपको एक सेकेंड भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी सारी चीजें चलती रहती है और इतनी हैपनिंग है मूवी, और इन ट्रू सेंस एक थ्रिलर एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। आपको कहीं पे भी एक भी जगह पे बोर नहीं होगा, लिटरली आप आपकी आंखें स्क्रीन पे से बिल्कुल भी हटाने नहीं वाले। पार्वती जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, फहाद फासिल उनकी तो बात ही अलग है, कुनज को बोबन, आई होप मैंने इनका नाम सही लिया, और बाकी सब जो भी सपोर्टिंग कास्ट थी वो सब लोग मिलके उन्होंने एक मूवी को एक मास्टरपीस बना दिया है। इतनी जान डाली है सबने मिलके मूवी में। हर एक का परफॉर्मेंस ऐसा था कि पल के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये मूवी चल रही है, हमको ये लगता है ये रियली ये लोग की लाइफ जी रहे हैं। पार्वती इज माई फेवरेट एंड शी वॉज जस्ट अमेजिंग इन दिस मूवी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि उनके आजू बाजू ये मूवी घूमती है और उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग मूवी को पकड़ के रखा है। शी वॉज टू गुड, आउटस्टैंडिंग। एक नर्स का काम उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया है, इतनी सिंपल रियल लगी है वो, दैट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। फहद फासिल वॉज गुड एंड बोबन जी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मूवी में जो पार्वती यानी समीरा है उसके और उसके हस्बैंड के जो रिलेशन बताए हैं वो रिलेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। उसके एक्स हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो भी हाईलाइट किए हैं, तो बहुत सारे उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स दिखाए हैं। फिर मूवी में ना एक दो ऐसे सीन्स हैं जो बहुत मतलब इतने सिंपल सीन्स हैं, इतने रियल सीन्स हैं लेकिन इतने दिल को छूने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जब वो समीरा बीमार होती है हॉस्पिटल में, उसका हस्बैंड उसको मिलने आता है, तब वो उनके बीच का जो कॉन्वर्जेशन होता है, या फिर समीरा का जो फर्स्ट सन होता है जब उसको पता चलता है कि शी इज़ प्रेगनेंट विथ अनदर बेबी, तब वो उसको पूछता है कि बेबी विल बी सेफ ना। ओ माई गॉड, दैट वॉज सो हार्ट टचिंग। वो बहुत बहुत प्योर और बहुत बहुत अच्छा मोमेंट्स था मेरे लिए। उसके बाद जो मूवी के लास्ट 15 मिनट्स है ना, लिटरली गूज़बम्स आते हैं आप, वो एक अलग ही यू नो जोश में आ जाओगे जब आप मूवी ख़त्म होगा, तब यू विल बी लाइक हैप्पी टीयर्स होंगे आपके आँख में। एक मूवी देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आपने एक ऐसी मास्टर क्लास मूवी देखी है जिसमें आपको ए टू जेड हर एक चीज़ को बराबर एक्सपीरियंस दिया है। ये मूवी में आपको हर एक टाइम पे, हर एक सेकेंड पे कुछ अलग और कुछ नया एक्सपीरियंस मिलते जाएगा। तो मूवी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पाओगे। एंड लास्ट 15 मिनट्स स्पेशली द लास्ट सीन इज लाइक द सीन ऑफ द मूवी। बहुत बहुत बढ़िया है जब वो लास्ट में तिरंगा दिखता है ना लहराते हुए, हाँ टू गुड। तो इन शॉर्ट आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर अब तक नहीं देखी है तो, और देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना यार आपको कैसी लगी। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बस देख लो यार। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।